शांति। प्रातः मुरली 10/10/2021 रिवाइज ऑफ 11/8/1988। आज की अव्यक्त वाणी में मीठे बाबा कहते हैं, सफलता का चुंबक मिलना और मोल्ड होना। सबका स्नेह स्नेह के सागर में समा गया, ऐसे ही सदा स्नेह में समाए हुए औरों को भी स्नेह का अनुभव कराते चलो। बाप दादा सर्व बच्चों के विचार समान मिलने का सम्मेलन देख हर्षित हो रहे हैं। उड़ते आने वालों को सदा उड़ती कला के वरदान स्वतः प्राप्त होते रहेंगे। बाप दादा सर्व आए हुए बच्चों के उमंग उत्साह को देख सभी बच्चों पर स्नेह के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। संकल्प समान मिलन और आगे संस्कार बाप समान मिलन, यह मिलन ही बाप का मिलन है, यही बाप समान बनना है। संकल्प मिलन संस्कार मिलन, मिलना ही निर्माण बन निमित बनना है। समीप आ रहे हो, आ ही जाएंगे, सेवा की सफलता की निशानी देख हर्षित हो रहे हैं। स्नेह मिलन में आए हो, सदा स्नेही बन स्नेह की लहर विश्व में फैलाने के लिए। लेकिन हर बात में चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले स्व है अपना सबसे प्यारा होम, तो पहले स्व से, फिर ब्राह्मण परिवार से, फिर विश्व से। हर संकल्प में स्नेह निस्वार्थ सच्चा स्नेह दिल का स्नेह, हर संकल्प में सहानुभूति, हर संकल्प में रहम दिल, दातापन की नेचुरल नेचर बन जाएं, यह है स्नेह मिलन। संकल्प मिलन विचार मिलन संस्कार मिलन। सर्व के सहयोग के कार्य के पहले सदा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं का सहयोग विश्व को सहयोगी सहज और स्वतः बना ही लेता है, इसलिए सफलता समीप आ रही है। मिलना और मुड़ना अर्थात मोल्ड होना, यही सफलता का चुंबक है। बहुत सहज इस चुंबक के आगे सर्व आत्माएं आकर्षित हो आई की आई। मीटिंग के बच्चों को भी बाप दादा स्नेह की मुबारक दे रहे हैं। समीप हैं और सदा समीप रहेंगे, न सिर्फ बाप के लेकिन आपस में भी समीपता का विजन या दृश्य बाप दादा को दिखाया। विश्व को विजन दिखाने के लिए पहले बाप दादा ने देखा। आने वाले आप सर्व बच्चों के एक्शन और कर्म को देख क्या एक्शन करना है होना है वह सहज ही समझ जाएंगे। आपका एक्शन ही एक्शन प्लान है। अच्छा प्लान सब अच्छे बनाए हैं, और भी जैसे यह कार्य आरंभ होते बाप दादा का विशेष इशारा वर्गीकरण को तैयार करने का था और अब भी है, तो ऐसा लक्ष्य ज़रूर रखो कि इस महान कार्य में कोई भी वर्ग रह नहीं जाए। चाहे समय प्रमाण ज़्यादा नहीं कर सकते हो, लेकिन प्रयत्न व लक्ष्य यह ज़रूर रखो कि सैंपल ज़रूर तैयार हो।
बाकी आगे इसी कार्य को और बढ़ाते रहेंगे। तो समय प्रमाण करते रहना, लेकिन समाप्ति को समीप लाने के लिए सर्व का सहयोग चाहिए। लेकिन इतनी सारी दुनिया की आत्माओं को तो एक समय पर संपर्क में नहीं ला सकते, इसलिए आप फलक से कह सको कि हमने सर्व आत्माओं को सर्व वर्ग के आधार से सहयोगी बनाया है, तो यह लक्ष्य सर्व के कारण को पूरा कर देता है। कोई भी वर्ग का उलाना नहीं रह जाए कि हमें तो पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हो, बीज डालो। बाकी वृद्धि जैसा समय मिले, जैसे कर सको वैसे करो। इसमें भारी नहीं होना कि कैसे करें, कितना करें, जितना होना है उतना हो ही जाएगा। जितना किया उतना ही सफलता के समीप आए। सैंपल तो तैयार कर सकते हो ना। बाकी जो इंडियन गवर्नमेंट यानी भारत सरकार को समीप लाने का श्रेष्ठ संकल्प लाया है, वह समय सर्व की बुद्धियों को समीप ला रहा है। इसलिए सर्व ब्राह्मण आत्माएं इस विशेष कार्य के अर्थ आरंभ से अंत तक विशेष शुद्ध संकल्प सफलता होनी ही है। इस शुद्ध संकल्प से और बाप समान वाइब्रेशन बनाने मिलने से मिलाने से विजय के निश्चय की दृढ़ता से आगे बढ़ते चलो। लेकिन जब कोई बड़ा कार्य किया जाता है तो पहले जैसे स्थूल में देखा है, कोई भी बोझ उठाएंगे तो क्या करते हैं, सभी मिलकर उंगली देते हैं और एक दो को हिम्मत उल्लास बढ़ाने के बोल बोलते हैं। देखा है ना, ऐसे ही निमित्त कोई भी बनता है, लेकिन सदा इस विशेष कार्य के लिए सर्व के स्नेह, सर्व के सहयोग, सर्व के शक्ति के उमंग उत्साह के वाइब्रेशन कुंभकर्ण को नींद से जगाएंगे। यह अटेंशन ज़रूरी है इस विशेष कार्य के ऊपर। विशेष स्व सर्व ब्राह्मण और विश्व की आत्माओं का सहयोग लेना ही सफलता का साधन है। इसके बीच में थोड़ा भी अगर अंतर पड़ता है तो सफलता के अंतर लाने में निमित्त बन जाता है। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों के हिम्मत का आवाज़ सुन उसी समय हर्षित हो रहे थे और खास संगठन के स्नेह के कारण स्नेह का रिटर्न देने के लिए आए हैं। बहुत अच्छे हो और अच्छे ते अच्छे अनेक बार बने हो और बने हुए हो, इसलिए डबल विदेशी बच्चों के दूर से एवर रेडी बन उड़ने के निमित्त बाप दादा विशेष बच्चों को हृदय का हार बनाए समाते हैं। अच्छा, कुमारियां तो हैं ही कन्हैया की, बस एक शब्द याद रखना, सब में एक मत, एक रस, एक बाप। भारत के बच्चों को भी बाप दादा दिल से मुबारक दे रहे हैं। जैसा लक्ष्य रखा वैसे लक्षण प्रैक्टिकल में लाया, समझा
किसको कहें किसको ना कहें, सबको कहते हैं। जो निमित्त बनते हैं उनको ख्याल तो रहता ही है, यही सहानुभूति की निशानी है। अच्छा, आज मीटिंग में आए हुए सभी भाई बहनों को बाप दादा ने स्टेज पर बुलाया। सभी ने बुद्धि अच्छी चलाई है। बाप दादा हर एक बच्चे के सेवा के स्नेह को जानते हैं। सेवा में आगे बढ़ने से कहाँ तक चारों ओर की सफलता है, इसको सिर्फ थोड़ा सा सोचना और देखना, बाकी सेवा की लगन अच्छी है। दिन रात एक करके सेवा के लिए भागते हो। बाप दादा तो मेहनत को भी मोहब्बत के रूप में देखते हैं। मेहनत नहीं की, मोहब्बत दिखाई। अच्छा, अच्छे उमंग उत्साह के साथी मिले हैं। विशाल कार्य है और विशाल दिल है, इसलिए जहाँ विशालता है वहाँ सफलता है ही। बाप दादा सभी बच्चों के सेवा के लगन को देख रोज़ खुशी के गीत गाते हैं। कई बार गीत सुनाया है, वाह बच्चे वाह। अच्छा, आने में कितने राज थे, राजों को समझने वाले हो ना। राज जाने बाप जाने। दादी ने बाप दादा को भोग स्वीकार करना चाहा, आज दृष्टि से ही स्वीकार करेंगे। अच्छा, सबकी बुद्धि बहुत अच्छी चल रही है और एक दो के समीप आ रहे हो ना, इसलिए सफलता अति समीप है। समीपता सफलता को समीप लाएगी। थक तो नहीं गए हो, बहुत काम मिल गया है, लेकिन आधा काम तो बाप करता है। सबका उमंग अच्छा है, दृढ़ता भी है ना। समीपता कितनी समीप है, चुंबक रख दो तो समीपता सबके गले में माला डाल देगी, ऐसे अनुभव होता है। अच्छा, सब अच्छे ते अच्छे हैं। आज दादियों के प्रति उच्चारे हुए अव्यक्त महावाक्य। बाप बच्चों को शुक्रिया देता, बच्चे बाप को। एक दो को शुक्रिया देते देते आगे बढ़े हो, यही विधि है आगे बढ़ने की। इसी विधि से आप लोगों का संगठन अच्छा है। एक दो को हाँ जी कहा, शुक्रिया कहा और आगे बढ़े। इसी विधि को सब फॉलो करें तो फरिश्ते बन जाएंगे। बाप दादा छोटी माला को देख करके खुश होते हैं। अभी कंगन बना है, गले की माला तैयार हो रही है। गले की माला तैयार करने में लगे हुए हो, अभी अटेंशन चाहिए। ज़्यादा सेवा में चले जाते हैं तो अपने ऊपर अटेंशन कहाँ कहाँ कम हो जाता है। विस्तार में सार कभी मर्ज हो जाता है, इमर्ज यानी प्रत्यक्ष रूप में नहीं रहता है। आप लोग ही कहते हो कि अभी यह होना है। कभी ऐसा भी दिन आएगा जो कहेंगे जो होना चाहिए वही हो रहा है। पहले दीपकों की माला तो यहाँ ही तैयार होगी। बाप दादा आप लोगों को हरेक का उमंग उत्साह बढ़ाने का एग्जाम्पल समझते हैं। आप लोगों की यूनिटी ही यज्ञ का किला है, चाहे 10 हो
चाहे 12 हो, लेकिन किले की दीवार हो, तो बाप दादा कितना खुश होंगे। बाप दादा तो हैं ही, फिर भी निमित्त तो आप हो। ऐसा ही संगठन दूसरा तीसरा ग्रुप बन जाए तो कमाल हो जाए। अभी ऐसा ग्रुप तैयार करो जैसे पहले ग्रुप के लिए सब कहते हैं कि इन्हों का आपस में स्नेह है। स्वभाव भिन्न भिन्न हैं, वह तो रहेंगे ही, लेकिन रिगार्ड है, प्यार है, हांजी है। समय पर अपने आप को मोल्ड कर लेते, इसलिए यह किले की दीवार मजबूत है, इसलिए ही आगे बढ़ रहे हैं। फाउंडेशन को देखकर खुशी होती है ना, जैसे यह पहला पुर दिखाई देता है। ऐसे शक्तिशाली ग्रुप बन जाएं तो सेवा पीछे पीछे आएगी। ड्रामा में विजय माला की नूंद है तो ज़रूर एक दो के नज़दीक आएंगे, तब तो माला बनेगी। एक दाना एक तरफ हो, एक दाना एक से दूर हो, तो माला नहीं बनेगी। दाने मिलते जाएंगे, समीप आते जाएंगे, तब माला तैयार होगी, तो एग्जाम्पल अच्छे हो। अच्छा, अभी तो मिलने का कोटा पूरा करना है। सुनाया ना, रथ को भी एक्स्ट्रा साकाश से चला रहे हैं, नहीं तो साधारण बात नहीं है। देखना तो सब पड़ता है ना, देखना तो सब पड़ता है ना। फिर भी सब शक्तियों की एनर्जी जमा है, इसलिए रथ भी इतना सहयोग दे रहा है। शक्तियां जमा नहीं होती तो इतनी सेवा मुश्किल हो जाती। यह भी ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट है। जो श्रेष्ठ कर्म की पूंजी जमा होती है तो समय पर वह काम में आती है। कितनी आत्माओं की दुआएं भी मिल जाती हैं, यह भी जमा होती है। कोई न कोई विशेष पुण्य की पूंजी जमा होने के कारण विशेष पार्ट है। निर्विघ्न रथ चले, यह भी ड्रामा का पार्ट है। 6 मास कोई कम नहीं रहा। अच्छा, सभी को राजी करेंगे। आज की अव्यक्त मुरली से चुने हुए कुछ अनमोल महावाक्य यानी प्रश्न उत्तर। फर्स्ट प्रश्न है, किस एक शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होने से ही सर्व कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी? उत्तर, सिर्फ पुरुषार्थी शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। पुरुष अर्थात इस रथ का रथी, प्रकृति का मालिक, इसी एक शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होने से सर्व कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी। पुरुष प्रकृति के अधिकारी है ना कि अधीन। रथी रथ को चलाने वाला है, न कि रथ के अधीन होने वाला। सेकंड प्रश्न है, आदिकाल के राज्य अधिकारी बनने के लिए कौन से संस्कार अभी से धारण करो? उत्तर, अपने आदि अविनाशी संस्कार अभी से धारण करो। अगर बहुत काल योद्धेपन के संस्कार रहे, अर्थात युद्ध करते करते समय बिताया, आज जीत कल हार, अभी अभी जीत अभी अभी हार, सदा के विजयीपन के संस्कार नहीं बने तो क्षत्रिय कहा
जाएगा न कि ब्राह्मण। ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, क्षत्रिय क्षत्रिय में चले जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, विश्व परिवर्तन बनने के पहले कौन सा परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए? उत्तर, विश्व परिवर्तन बनने के पहले अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए, दृष्टि और वृत्ति का परिवर्तन चाहिए। आप दृष्टा इस दृष्टि द्वारा देखने वाले हो, दिव्य नेत्र से देखो ना कि चमड़ी के नेत्रों से। दिव्य नेत्र से देखेंगे तो स्वतः दिव्य रूप ही दिखाई देगा। चमड़े की आँखें चमड़े को देखती, चमड़ी के लिए सोचती, यह काम फरिश्तों व ब्राह्मणों का नहीं। प्रश्न, आपस में बहन भाई के संबंध में होते भी किस दिव्य नेत्र से देखो तो दृष्टि व वृत्ति कभी चंचल नहीं हो सकती? उत्तर, हर एक नारी शरीरधारी आत्मा को शक्ति रूप जगत माता का रूप देवी का रूप देखो, यही है दिव्य नेत्र से देखना। शक्ति के आगे कोई आसुरी वृत्ति से आते हैं तो भस्म हो जाते हैं, इसलिए हमारी बहन व टीचर नहीं लेकिन शिव शक्ति है। आत्माएं बहने भी सदा अपने शिव शक्ति स्वरूप में स्थित रहें। मेरा विशेष भाई विशेष स्टूडेंट नहीं, वह महावीर है और वह शिव शक्ति है। प्रश्न, महावीर की विशेषता क्या दिखाते हैं? उत्तर, उनके दिल में सदा एक राम रहता है। महावीर राम का है तो शक्ति भी शिव की है। किसी भी शरीरधारी को देखते मस्तक के तरफ आत्मा को देखो। बात आत्मा से करनी है न कि शरीर से। नज़र ही मस्तक मणि पर जानी चाहिए। प्रश्न, किस शब्द को अलबेले रूप में न यूज़ करके सिर्फ एक सावधानी रखो, वह कौन सी? उत्तर, पुरुषार्थी शब्द को अलबेले रूप में न यूज़ करके सिर्फ यही सावधानी रखो कि हर बात में दृढ़ संकल्प वाले बनना है। जो भी करना है वह श्रेष्ठ कर्म ही करना है, श्रेष्ठ ही बनना है। ओम शांति। आज मीठे बाबा वरदान देते हैं, विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व संपन्न व ट्रस्टी भव, जो आई वेल के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी किनारे रख लेते हैं तो माया किसी न किसी रीति से पकड़ लेती है। पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़े जाएंगे। माया बड़ी तेज है, उनकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है। इसलिए विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करो। ज़रा भी किसी कोने में पुराने खजाने की निशानी न हो। इसको कहा जाता है सर्व संपन्न ट्रस्टी व यज्ञ के स्नेही सहयोगी। आज का स्लोगन है किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना, ये भी लगाव है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।